वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित ये 6 मंजिला इमारत बनारस कोठी जिसको कहते हैं, इसको प्रशासन तोड़ रहा है, इसको डिमोलिश कर रहा है, ये कहकर कि ये वरुणा कॉरिडोर के बिल्कुल 50 मीटर के अंदर है और ये पर्यावरण के हिसाब से गलत तरीके से बनाया गया है, ये कहकर प्रशासन इस बिल्डिंग को तोड़ रहा है। इस समय हम कोशिश करेंगे। सर, चोट पैर में भी लगी है, डंडे से मारे, सिपाही से डंडा छीन करके एडीएम सिटी ने मारा जी। पहले मुंह से अपने सर से मारे। मेरा नाम खुर्शीद है। एडीएम साहब आए, पुलिस अंदर जा रही थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ऊपर मेरी माँ बहने हैं, उतर जाने दीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई कर लीजिए। उन्होंने मुझे अपने सर से ऐसे करके मार के मेरा मुंह फोड़ दिया। उसके खुला हुआ जी। उसके बाद उन्होंने गंदी गाली दी और उस सब बगल में एक सिपाही खड़े थे, उनसे डंडा छीन करके मारने लगे। चलिए, तो ये खुर्शीद जी हैं, इन्हीं की ये प्रॉपर्टी है जिस पर कार्रवाई हो रही है और ये आरोप है प्रशासन का कि वरुणा के ठीक बगल में ये प्रॉपर्टी खड़ी की गई है और जो पर्यावरण से जुड़े हुए नियम कानून हैं उसकी अनदेखी की गई है। इसको लेकर मामला कोर्ट में भी है और इसके पहले प्रशासन ने नोटिस भी दिया था। हम कोशिश करेंगे, जफर भाई अभी तो बात करने की स्थिति में आप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी नोटिस प्रशासन ने कब दिया था? 23 को दिया, 21 को लाइन काट दिया, 22 को पानी काट दिया। भागवत कथा हमारे यहाँ हो रही थी, गुजरात से लोग आए थे 600, हम और होटल भी बुक किए थे, उस बीच में उन्होंने आके लाइन काट दिया कि आपकी लाइन काटी जाए। हमको कोई नोटिस है बिजली विभाग को दिया, हमको 23 तारीख की नोटिस 24 तारीख को दिया। होटल का सब सिलेंडर ले जा रहे हैं, उसके फोटो, हाँ, चीजें यहाँ से निकाल के प्रशासन ले जा रहे हैं। तो ये बताइए सर कि कौन से नियम कानून की अनदेखी हुई थी? सारे भैया, हमको नोटिस दिया आपके 24 तारीख को कि नोटिस, 25 को दिया कि 2015 में शासन ने आपके आदेश को नहीं माना, सांसद ने आपके आदेश को नहीं माना, फिर उसके बाद हम आपके खिलाफ FIR 2015 की नोटिस। और होटल बन के कब तैयार हुआ? 2012 1999 में दोनों, उसको कोई ग्रीन बेल्ट नहीं थी। नहीं, 2012 में बन के थे, 1999 का जिक्र कर रहे हैं आप। हाँ, दूसरा होटल 1999 का था। अच्छा, इन्होंने नक्शा पास किया किसी तरह का, हमने कहा आप हमारा लैंड चेंज कर दिया, हमारा कमर्शियल हो गया। उसके बाद उन्होंने वो हमको कल एप्लीकेशन दिया, FIR कराया 2015 का कि आपका ग्रीन बेल्ट में आता है इसलिए नहीं दिया जाएगा। कल उन्होंने नोटिस दिया कि जो आपको जो है 29/3/2024 को शासन ने निरस्त कर दिया, जबकि हाईकोर्ट के आदेश से और शासन के आदेश से कमिश्नर ने आदेश दिया 26/12/19 को कि किसी तरह का कोई अतिक्रमण या किसी तरह से होटल को कोई डिमोलिश ना किया जाए। 26 दिसंबर 2019 को कमिश्नर ने क्लियर कर दिया कि कोई अतिक्रमण नहीं है, अब कोई वो नहीं है और इनका शासन में पारित है। आज आप कह रहे हो कि नहीं, 29/3 को आपका खारिज हो गया, वीडियो में आपका वकील भी रहता है, जब कमिश्नर के यहाँ अपील पड़ती है तो वीडियो का वकील भी खड़ा रहता है, वो ये हज करें कि आपने तथ्य को छिपाया, हमने तथ्य को छिपाया तो आपने कौन सा कमिश्नर के सामने नहीं कहा कि साहब ने इनको स्टे ना दिया जाए, ये 29/3 को खारिज हो गया। अगर खारिज होता तो हमको स्टे काहे मिलता? तो मतलब आप लोगों को अंधेरे में रखकर ये सारी कार्रवाई कर दिया। उसके बाद कल रात को नोटिस दिया कोई आप बुकिंग ना करें,
ये भी नहीं कहा कि 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, अगर आपको बिल्कुल समय नहीं दिया गया कुछ नहीं, आज आके तोड़ दिया। तो यहाँ और भी तो होटल है लाइन से, वो नहीं तोड़ना है। वो भी बकायदा बीजेपी के लोगों का है, जैसे पांड्या का होटल नदी के किनारे है, ग्रीन बेल्ट में 27 होटल आते हैं, मकान 776 आते हैं। आप पब्लिक के रेजिडेंस को मत छुओ, पब्लिक के रेजिडेंस को मत छुओ, वो सब पुराने हैं, 80 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने, आप उनको मत टच करो। आप जो कॉमर्शियल जो आप हमारे साथ प्लान कर रहे हो, वो जो होटल वाले उनके साथ भी तो करो। कितने होटल होंगे ऐसे? 27 होटल है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी पर कोई कार्रवाई। तो आप ही पर क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। तो ये तो सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, यही विकास माना क्या तुम दिया गया, यही विकास है। तो देखिए 27 होटल हैं जो ग्रीन बेल्ट के अंदर हैं, लेकिन बिना कोई समय दिए, बिना कोई अवधि के और एकाएक इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कहना है जो होटल के ऑनर है जफर भाई। जफर भाई एक चीज और जो, हाँ मैं नोटिस भी उसकी कॉपी देखूंगा, आपके भाई साहब खुर्शीद जी अभी अभी गए, हमसे बात हुई थी तो उनको चोट लग गई है। उसने कहा कि साहब हम अपने परिवार को नीचे उतार लें, परिवार ऊपर है, इतना कहना था कि एडीएम सिटी साहब ने मारा अपने सर से, टूट गया फिर से भाई ये पूरा मुंह से खून आने लगा, और इसका इतने ही पाप है कि उसने कहा साहब परिवार ऊपर है। इसमें हमारा रेजिडेंस भी है, हमारा परिवार दोनों में रहता है। हम लोग यहाँ दो होटल हैं, एक 1999 बना, एक 2012 में बना, और उसके बाद आपने नक्शा पास किया, आपने नक्शा पास किया, वीडीए ने, वीडीए ने नक्शा पास किया, और हमारा लाइसेंस है यहाँ पर। अच्छा, तो बकायदे जो कमर्शियल बिजली बिल सब देते हैं, अप टू डेट है भैया, 1 रुपया बकाया नहीं है। नगर निगम का टैक्स आपका पूरा कंप्लीट है, हाउस टैक्स पूरा कंप्लीट है, बिजली की बिल आपके आज तक का जमा है, आपने लाइन काट दिया। बिजली की बिल लाइन तब काटी जाती है जबकि सर बिजली की बिल बकाया हो, और हमने कमर्शियल कर, अभी योगी जी ने एक पारित किया है कि आपका 1,000 स्क्वायर फुट का भी अगर जमीन है, हम रेजिडेंस को कमर्शियल करेंगे और 20 कमरे का होटल बना लीजिए। उसके बावजूद इन लोगों ने नहीं सुना। आप भी इन्हीं के परिवार से? तो ये कार्रवाई क्यों हो रही, क्या लग रहा आपको? ये कार्रवाई जो है बस मुसलमान के ऊपर, यहाँ तो सभी लीगल नहीं, कार्रवाई सिर्फ आप सब रेजिडेंस पर कमर्शियल होटल बने हैं सर, हम किसी रेजिडेंस के खिलाफ नहीं है सर, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है। अब भाई जो कार्रवाई आप हमारे साथ बाकियों पे भी होनी चाहिए, बाकियों पे भी तो एक ही नियम एक ही कानून सब पर लागू होना चाहिए। सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, ऑनर का कहना है। तो इस समय होटल तोड़ने का काम चल रहा है और 2 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि होटल को पूरी तरीके से डिमोलिश करके और यहाँ जो भी अब प्रशासन तय करे उसके बाद यहाँ फिर आगे की कार्रवाई होगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।